एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू थैंक यू भैया, कैसे हैं? यस सर, आपका मैं देखती थी प्रथम, तब मैं स्कूल में थी और मैं आपके मैं भी स्कूल से भागा स्कूल में थे, पढ़ाई करते मैं घंटी बजा रहा था। आई थिंक बहुत बहुत बधाई, सेलिब्रेशंस आर इन प्लेस। साल के मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले उन्होंने लॉन्च किया है और 6-6 टाइटल्स शायद मैंने सुना है वो लोग अभी अगले साल उसको अनाउंस करेंगे इस बैनर के अंदर। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से विस्का फिल्म्स को, एंड हम तो चाहते हैं कि नए नए प्रोडक्शंस आए और फिर जिसकी किस्मत सबसे अच्छी होगी वो सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस निकलेगा। देखो नेटफ्लिक्स, अमेजोन और उल्लू और ऑल बालाजी, जी टी वी, इन्होंने तो अपना खैर अच्छे से जमा ही लिया है, तो जैसे जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे तो हमें कंटेंट अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आई थिंक हर प्लेटफॉर्म की खासियत यही है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इनके भी कंटेंट में कुछ अलग ही बात होगी और आई होप इस बात से उनका प्लेटफॉर्म भी ऊपर आए। हाँ, मैं एक फिल्म कर रही हूँ अभी, अगले महीने शुरू हो जाएगी वो फिल्म, एक्शन बेस्ड फिल्म है, तो बस अभी के लिए फिलहाल यही कर रही हूँ। अच्छे ए लिस्ट स्टार, सस्पेंस है। हाँ, सस्पेंस है। न्यू ईयर आ रहा है तो क्या कहेंगे दर्शकों से? हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। देखो हमारा 2019-20-21 काफ़ी मुश्किल रहा है कोविड और ओमाइक्रॉन की वजह से, और अभी हमें फिर से कुछ स्केयर और डर सा लग रहा है कि आगे भी शायद ओमाइक्रॉन फिर से ना उभर के आ जाए। तो आई जस्ट होप कि इस साल भी हम बहुत ध्यान से और कोविड प्रिकॉशंस और कोविड बिहेवियर को अच्छे से मान के अपना न्यू ईयर मनाएं। बहुत जगह दिल्ली तो बंद ही हो चुका है और मुंबई का भी ऐसा खौफ है कि मतलब आगे जाके हम लोग 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाएंगे सिनेमा हॉल्स में, तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। जर्जी जो फिल्म शाहिद कपूर के आने वाली थी उसने उसको तो पोस्टपोन ही कर दिया जो 31 को आने वाली थी, तो आई थिंक वी हैव टू बी रियली केयरफुल। तो सब लोग बस दर्शकों अपने न्यू ईयर अच्छे से लेकिन सेफली मनाना और मस्ती और मौज तो करना ही पर ध्यान से करना। थैंक यू।